फ्रेंड वेलकम मैडम, मैं हूँ आपका अपना राजू भाई। आपको दिखाऊँ दो दो बाइकें, रॉयल एनफील्ड 350, एक दिखाऊंगा आपको हंटर, दूसरी दिखाऊंगा आपको रिवॉन 350। और इधर आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसके अंदर। देखो सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को, बहुत से लोग कहेंगे भैया ये भाई इधर अच्छा नहीं लग रहा, इसमें हंटर का ओरिजिनल आता है। तो देखो कस्टमर की चॉइस होती है, हमारी चॉइस नहीं होती है, ये ध्यान देना पहले। तो ये सर ने अपनी पसंद से लगवाया, हालांकि की हमने जनरल फिटिंग है, कोई इसमें जुगाड़ नहीं किया गया। यहाँ पर देख सकते दोनों स्क्रूज के अंदर प्रॉपर फिटमेंट है आपके, और ये लगा देगा इसके हिमालयन वाला ट्रांसपेरेंट वाइजर, जो कि फिटमेंट चेक कर लो बिल्कुल जर्मन तरीके से, कोई इसमें जुगाड़ नहीं फालतू का। लुक चेकआउट कर लो आपको इसकी कैसी लग रही है, सब आपकी पसंद है, हमारी कोई पसंद नहीं होती है, ध्यान रखना। और इधर आपको देखने मिलेगा हैंड गार्ड एक्रेबिस के, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, बहुत ही हैवी हैं। लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आती है लगने के बाद, और काफ़ी बल्कनेस हो जाती है बाइक आपकी, इतनी बल्की हो जाती है कि लुक आगे से लगता है कुछ भारी व्हीकल निकल के जरा से। रॉयल एनफील्ड वैसे भी भारी व्हीकल होता है, पर आप देख सकते हैं। और ये ना मेटल की रॉड होती है इसके अंदर दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, इससे आपके लीवर और हैंड ये दोनों होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, फुली प्रोटेक्शन वाली चीज़ है लगा दी गई इसके अंदर हैंड गार्ड एक्रेबिस की। बाकी मॉडल आपको पता है इसके अंदर और बहुत सारे आते हैं, आप कोई भी मॉडल इससे इसके हमसे ले सकते हो, चाहे आप किसी भी कंपनी के ले लो, आप चाहे बर्गबस्टर ले लो, चाहे किसी भी BHG भी, बहुत सारे ब्रांड्स इसके अंदर आते हैं। और नीचे दिखाएंगे लेग गार्ड, जो कंपनी वाला ये लेग गार्ड इसके अंदर लगा हुआ है, और उसके नीचे सम गार्ड जो डस्ट वगैरह करता है कंट्रोल। और उसके बाद उसमें बैक साइड के अंदर, क्योंकि ये है टूरिंग मोड बाइक, तो उसमें सिर्फ टूरिंग मोड वाला काम किया गया है। आप देख लो सैडल स्टे लगा दी गई इसके अंदर दोनों तरफ, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का। लुक चेकआउट कर लो इसकी, प्रॉपर फिटमेंट है, कोई जुगाड़ नहीं होता इसके अंदर, और बहुत ही हैवी क्वालिटी है ये, हल्की क्वालिटी वाले नहीं यूज़ करे गए इसके अंदर। और साथ में इसमें लगाया गया, देख सकते हैं ये इसका टॉप रैक, जो कि आपने देखा होगा ज़्यादातर क्लासिक वगैरह के अंदर, उसी टाइप का इसके अंदर लगा दिया गया। आपका प्रॉपर फिटिंग है, देखो फिटिंग प्रॉपर है इसकी भी, देख सकते हैं एक ये रहे एक ये रहे, दोनों इसके प्रॉपर फिटिंग है, इसमें भी कोई जुगाड़ नहीं है। साथ में मिलती है बैकलश, जो कि इसके साथ ही होती है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया आपका टॉप रैक विद सैडल। और अब दिखाता हूँ इसके बाद, ये तो कोई कंप्लीट, इसके बाद दिखाता हूँ इस वाली में, इसमें भी सेम वही वाइजर जो उसके अंदर लगा था ना, वही वाइजर लगा दिया गया इसके अंदर, उसमें था ट्रांसपेरेंट, इसमें ब्लैक, और एज पर कस्टमर चॉइस नॉट आर चॉइस, ये ध्यान रखने पहले ये बताया था आपको। तो ये इसके अंदर लगा देंगे, लुक इसकी भी चेकआउट कर लो किस तरीके आती है, वही हैंड गार्ड जिससे लीवर और हैंड दोनों होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, फुली प्रोटेक्शन की चीज़ और लगा दी गई इसके अंदर भी। साथ में इसमें देखने मिलेगा आपको, देख सकते हैं ये पहले कोई मोबाइल वोटर लगा रखा होगा भैया ने वाटर प्रूफ वाला, बट नॉट यूज्ड। अब फिलहाल हमने जो जगह हमने लगा ये वाला BHGP का ओरिजिनल, और इसमें शॉक ऑब्जर्वर आपके लगे होते हैं, इससे क्या होता है मोबाइल कभी भी ख़राब नहीं होते। जैसे मूव आपका जहाँ ऑफ रोडिंग करें ऑन रोडिंग करें, आपका मोबाइल का जो सेंसर है वो पूरी तरह बच जाता है इसे लगाने के बाद शॉक ऑब्जर्वर की वजह से। साथ में इसमें देखने मिलेगी आपको फॉग लैंप, जो कि ये पहले से लगवा रखे भैया ने, देख लो आप किस तरीके, ये आपका हो गया वाइट, और वाइट के साथ में ब्लिंक, वाइट और ब्लिंक दो पॉइंट है इसके अंदर जो कि लगा दें शायद ये ऑफ रोडिंग में काम आ सके। वैसे तो हम ये वाले यूज़ करते हैं, तो आपको पता है येलो वाइट जो टॉप क्लास है वो यूज़ करते, बढ़िया भैया पहले से लगवा रखे हैं तो उनको हटाने की जरूरत भी नहीं लगी इसको। साथ में मैं लेग गार्ड लगा दे स्टेनलेस स्टील वाले, लुक चेकआउट कर लो, इससे आपका टैंक और आपके लैक्स ये होते हैं सेफ पूरी तरीके से। और नीचे लगा दिया सम गार्ड, जो कि देख सकते हो आरी की ब्रांडिंग के साथ है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और इसके अंदर लगे हुए हैं अलॉयज, ये देखिए अलॉयज भी लगे हुए हैं इसके अंदर, जो कि आप देख सकते हो 30 spokes वाले, ये भी इसके अंदर लगे हुए हैं, जो कि रिबॉन के अंदर आपको कम देखने मिलेंगे, इसमें लग चुके हैं। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ जो कि मिलेगा आपको, बार एंड मिरर, क्योंकि ये बार एंड मिरर जो है ना पहले नीचे कर रखा था, ऊपर की तरफ कर दिया इसको सेट, क्योंकि जो इसके हैंड गार्ड है ना उससे लुक काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो गई है, साथ में व्यू भी जरूरी है। तो इसके लिए इसमें ये भी इसके अंदर लगा दे दोनों तरफ, आपको देख सकते हैं हैंड गार्ड के साथ में लगे हुए हैं आपके ये वाले बार एंड मिरर। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ बैक साइड के अंदर, वो आपके सैडल स्टे जैसे आपने उसमें देखा ऐसे इसमें भी लगे हुए हैं सैडल स्टे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। इसे लगाने का सबसे बड़ा यूज़ होता है कि जब राइड पे अंदर लद्दाख वगैरह से भेज जा रहे हैं तो इनको यूज़ बहुत यूज़फुल होगी आपकी ये चीज़, क्योंकि इसके अंदर आप सैडल बैग वगैरह कुछ भी आप आराम से सामान कैरी कर सकते हैं। साथ में इसमें लगा देगा इसका रेनॉक्स का तो स्टिकर है, अगर वैसे ही आपको दिखाता हूँ सिर्फ। तो टॉपबॉक्स देख लो इसके अंदर, पहले बहुत सारा सामान भैया ने अंदर रख रखा है, हेलमेट हो गया और पता नहीं क्या क्या भैया ने ऑलरेडी इसके अंदर भर रखा है। ये टॉप बॉक्स है जो लगा हुआ है, और पैडिंग वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी है। और ये होता है आपका 45 लीटर, 45 लीटर का है। आप चाहो तो इसके अंदर हमारे पास वैरायटी बहुत है, चाहे पैनियर्स हो, चाहे टॉप बॉक्स हो, 45 लीटर हो, 55 लीटर हो, या हो 65 लीटर, हर तरीके के लीटर्स के हमारे पास मिल जाते हैं आपको ये टॉप बॉक्स। और साथ में इसमें लगी हुई है बैकरेस्ट, और सीट भी इसकी जो अंदर आती है डबल, वो भैया ने करा रखी है। सिंगल लुक चेकआउट कर लो इसकी भी, काफ़ी अलग ही लुक निकल के आई है इसे लगने के बाद। तो ये थी इन बाइकों की मोटिवेशन, मैं मिलवाना चाहूँगा भैया से, जिन भैया की बाइक है इनको हमारा काम कैसा लगा। तो हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं अब आप बताइए कि आपने काम कराया, आपको काम कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
भाई को नहीं अच्छा लग रहा? बहुत सेटिस्फाइड है। अच्छा भाई भी सेटिस्फाइड है, थोड़ा माइक उधर करना पड़ेगा तब जाके उनकी बात सही आएगी। हम लोग सेटिस्फाइड है काम से, काफी अच्छा काम है और काफी लगन से आपके लड़के करते हैं, और आपकी अच्छी डीलिंग की वजह से हम लोग यहाँ पे कई बार पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी आए हैं। हमने सोचा यहीं आएंगे सीधा, तो वी आर हैप्पी। मैं तो पहली बार वीडियो देख के, और जो सामान लगा उसके प्राइस सब कुछ अच्छे लगा है मेरे, और सर्विस भी अच्छी। तो और कोई आना चाहे और ऑल ओवर इंडिया से हमारा कोई राइडर भाई आना, तो क्या रिकमेंड करेंगे? यहाँ पे आप आए, करोल बाग में है इनकी शॉप, SKD राजू भाई, SKD राजू भैया SKD नाम से, और वाकई में आप यहाँ पे आके ट्राई करें। उसके बाद आप अगर आप चाहते हैं ट्राई करना कहीं और, उसके बाद आप जाएं, डेफिनेटली आपको यहाँ पे सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, मतलब हमारा ये एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सर। तो वीडियो आप सुबह लेके देखी ली और आपको रिव्यू भी आपने देखी लिया, और अबाउट अगर किसी को आना चाहे कोई, तो आ सकता है आपके अपनी शॉप पर जो राजू भाई SKD के नाम से, दिल्ली करोल बाग नायवलन के अंदर मिल जाते हैं। जब भी पाते ना, लोकेशन का सिंपल सा हमारा लोकेशन है, हनुमान जी की मूर्ति बड़ी वाली मूर्ति पर आएंगे, और वहाँ पर आने के बाद आपको जैसे मार्केट एंटर मारेंगे ना, एंट्री करते ही आगे एक और चौक आएगा, चौक के बराबर में एक और बोर्ड दिखेगा क्योंकि राजू भाई की शॉप के नाम का बोर्ड मिलेगा, उसमें हनुमान जी की मूर्ति जरूर देख लेना आप, क्योंकि जहाँ वो लगी हुई समझ लो मेरी शॉप है। क्योंकि मार्केट में मेरी वैसे दो शॉप तीन शॉप है वैसे तो, लेकिन एड्रेस सिर्फ मैं एक ही का देता हूँ, बाकी का देता नहीं कि कस्टमर भड़के ना इसलिए। तो ये अपना स्ट्रेट मेन रोड पर ही है, RSMI रोड पर। जब भी आए कॉल करके आएँ और व्हाट्सअप करके लोकेशन आप मंगा भी लें, अगर आप कन्फ्यूज़न हो किसी तरीके का तो वीडियो चलो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना राजू भाई SKD को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, गुड बाय।